हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमारे रियांश की म्यूज़िक एल्बम नहीं आ रही है। सो बता दूँ, ये अपडेट कहीं ना कहीं से तो आप लोगों को मिली होगी। तो ये न्यूज़ क्या कंफर्म है, रियांश की म्यूज़िक एल्बम सच में नहीं आ रही है? क्या ये न्यूज़ फेक है या फिर सच में ही कन्फर्म है? अगर सच हुई तो ये न्यूज़ रियांश फैंस के लिए एक सैड न्यूज़ भी हो सकती है। तो बता दो, शॉकिंग वाली न्यूज़ आप लोग बता दो फुल डिटेल में। तो हमारे जो राहुल एंड हेलिशंग म्यूज़िक एल्बम है वो मतलब कैंसिल नहीं हुई, हमारी राहुल एंड हेलिश की म्यूजिक एल्बम कैंसिल नहीं हुई है। एंड बता दो, हमारे जो MKV लाइव म्यूजिक वाले के मतलब उन लोग के थ्रू जो हमारी रियांश की म्यूजिक एल्बम आने वाली थी वो सच में ही आएंगे। एंड आप लोगों को अगर ये अपडेट कहीं से अगर मिला होगा तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये 100% फेक हो सकता होगा या फिर हो सकता है। एंड बता दूँ, मैं MBK जब मुझको ये न्यूज़ जब मुझको मिली तब मैं MKV लाइव म्यूजिक वाले मतलब म्यूजिक के जो ID है उससे मैं जो है मैंने मैसेज किया कि सर क्या आप मतलब कि आप लारिश में मैं जाऊँ सीज़न 2 की जोड़ी रियांश राहुल एंड हेलिशा की जो जोड़ी है उसको आप उसकी आप क्या म्यूज़िक एल्बम सच में ला रहे हैं, क्या म्यूज़िक एल्बम आपने कैंसिल किया है? तो उन्होंने सिंपली सा दो लाइन का उन्होंने जो आंसर दिया, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया था। एंड रिप्लाई ये था कि हेली अभी अवेलेबल नहीं है, हेली का कुछ हेलिशा का और एक अपडेट दे दूँ, हेलिशा जो है अभी वो फ्री नहीं है, ये तो हम लोग सभी को ही पता है। बट अभी उनका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से वो अभी थोड़ा सा बिजी है। एंड उन्होंने खुद ही कहा कि जो हेली का कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, जब ही वो फ्री होती है तभी हम लोग करेंगे, जब वो फ्री होएगी तभी हम लोग करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, साफ साफ सीधे सीधे सिंपली सा फुल मीनिंग में आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो मैं फुल मीनिंग में बता देती हूँ। हमारे जो MKV लाइव म्यूजिक वाले का मतलब उनका मतलब है कि हमारी हेली शो जब फ्री होएगी तब यांश म्यूजिक में शूट की जाएगी। तो अब जो हमारे जो म्यूज़िक एल्बम सैड सॉन्ग वाली वो अगर कैंसिल हो चुकी है तो अब क्या होगा उस सॉन्ग का, क्या होगा ऐसे क्या होगा उस सॉन्ग का? तो एग्जैक्टली आप लोग को बता दो, सॉन्ग का कुछ नहीं होगा। उन्होंने मतलब जो फेक वाली चैट वायरल हुई थी तो उसमें लिखा था कि हेलिशा और राहुल की म्यूज़िक एल्बम नहीं आ रही है। एंड बता दो, उस चैट में लिखा था कि जो म्यूज़िक मैंने उन दोनों के लिए बनाया था सो वो म्यूज़िक मैं ऐसे ही रिलीज़ कर दूँगा बिना कोई एक्टर एक्ट्रेस के। सो उन्होंने यही बस लिखा था, रिलीज़ कर दूँगा मैं, लेबल देके मैं रिलीज़ करवा दूँगा। तो यही आप लोग देख सकते हो। सो ये न्यूज़ भी कंफर्म एंड फेक हो सकती है सेकेंडली। एंड मैंने जो आप लोग को न्यूज़ दी है कि जो मुझे उन्होंने रिप्लाई दी, ये बात एकदम 100% श्योर एंड कंफर्म है भाई, मैं थोड़ी ना झूठ बोली। एंड मैंने उनसे खुद ही कंफर्मेशन की है। एंड बता दो, अगर आप लोग को सच में मतलब आप लोगों को झूठ लग रहा है कि मैं कैसे उनसे बात कर सकती हूँ, तो अगर आप लोगों को चाहिए कि उनका और मेरा चैट, तो मैं आप लोगों को जो है डिटेल में आप लोगों को जो है मैं चैट भेज सकती हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं आप लोगों को भेज सकती हूँ। आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, रियांश ऑफिशियली 555 आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करेगा। एंड अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए कि क्या प्रूफ है आपके पास जो आपने MKV लाइव वाले से बात की, तो मैं दिखा दूँगी आप लोगों को स्क्रीन शॉट या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि मैंने उनसे सच में बात किया। सो यही था बस अपडेट, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी न किसी न्यू अपडेट के साथ।